अभी जिला का गतिविधि चल रहा है, जिला के गतिविधि पार्टी को जिस हिसाब से चलना चाहिए, जिला में नीति सिद्धांत सांगठनिक काम सांगठनिक कार्रवाई कोविड के माहौल में जो पार्टी का भूमिका होना चाहिए था वो हम लोग नहीं देख पाए, देखें वो चीज़ आम जनता भी उसके उसको महसूस नहीं कर पाई। अब कुछ समय पहले ही पार्टी एक समायोजन हुआ है, नया शक्ति और समाजवादी पार्टी एकीकरण हुआ। उस समय एकीकरण के समय जो पार्टी के भीतर एक तो प्रथा चला, जो टीके प्रथा अब सरल भाषा में उसको यहाँ कहा जाता है, वो टीका लगाकर अपने आदमी को अपना पॉकेट से निकालकर बना देना। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि पार्टी टीके प्रथा से नहीं चलता है, पार्टी चलता है नीति और सिद्धांत से, पार्टी चलता है कार्यकर्ता का भावना बूझकर, पार्टी का नीति सिद्धांत को जिला में स्थापित कैसे किया जा सकता है, पार्टी का सांगठनिक काम कैसे आगाड़ी बढ़ाया जा सकता है, पार्टी का दूरगामी नीति क्या है, जनता के बीच में उसको कैसे ले जाया जा सकता है, सो काम अभी का नेतृत्व जो किया अभी का नेतृत्व नहीं कर पाए, अभी का जिला का पार्टी नेतृत्व को संकट के प्रति आपको जिला में जिस तरह पार्टी संचालित हो रहा है उसके प्रति आप लोग संतुष्ट नहीं? अब संतुष्ट हम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं यहीं पर है कि नहीं? क्या है? मुस्तकीम अंसारी। मुस्तकीम जी परसा जिला के उपाध्यक्ष हैं आप? जी परसा जिला के उपाध्यक्ष हैं। जसपा के लिए? जसपा के। ओके, आप लोगों का कहना क्या है कि वहाँ पार्टी नेतृत्व जो है वो मनमानी कर रहे हैं? पार्टी का एक सिस्टम होता है पार्टी चलाने का, उनको जब से नेतृत्व दिया गया एक साल लगभग एक वर्ष हो गया, एक वर्ष में एक बार भी बैठक जिला कमेटी का बैठक भी नहीं हुआ है, जिला का पदाधिकारी का बैठक भी नहीं हुआ है, सचिवालय जो गठन होना चाहिए सचिवालय का भी गठन नहीं हुआ है, जितना जन निर्वाचित प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि वाडा में गाँव पालिका में नगर पालिका में विधायक सांसद मुख्यमंत्री हम ही लोग का पार्टी का है। परसा जिला में देखिएगा तो 70-75% हम ही लोग का पार्टी का वहाँ पर दबदबा है, जनप्रतिनिधि हम ही लोग का पार्टी का जन निर्वाचित है, लेकिन जो भूमिका होना चाहिए जिला कार्य समिति से जो समन्वय होना चाहिए निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ, जिला कार्य समिति के साथ जो भूमिका होना चाहिए समन्वय होना चाहिए सहकार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ है, इसका सबका श्रेय कमी जाता है जिला अध्यक्ष के ऊपर। जिला अध्यक्ष जो भूमिका होना चाहिए वो भूमिका नहीं खेल रहे हैं, जिला में जो समन्वय करना चाहिए समन्वय नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता से सलाह करना चाहिए सुझाव लेना चाहिए पार्टी कैसे चलेगा संचालन संबंधी, उनका कोई सलाह सुझाव नहीं है, इसीलिए हम लोग पार्टी नेतृत्व पंक्ति से हम लोग रुष्ट हैं। पार्टी का नेतृत्व के मान लीजिए कि हम लोग परिवर्तन के ही पक्ष में हैं, पार्टी को सिस्टम में चलाने वाला हम लोग नेतृत्व चाहिए, इस विषय में हम लोग काठमांडू आए हैं जी, मेन उसी विषय को लेकर हम लोग काठमांडू में हम लोग का वरिष्ठ नेता केंद्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, अपना जिला का गतिविधि बता रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से समन्वय सहकार्य करके हम लोग शेयर कर रहे हैं, मेन इसी के मुद्दा पर हम लोग आए हैं। केंद्रीय नेता जो पार्टी के केंद्र में उन लोग के जवाब किस तरह का है? उन लोग का जवाब भी एक पार्टी को जिस तरीके से चलाना चाहिए पार्टी विधि में चलना चाहिए, केंद्रीय लोग का बढ़िया सुझाव आया, जैसे कि अभी मानिए एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि हमारे जिला में जिला परसा जिला में बहुत प्रदेश कमेटी के सदस्य भी हैं, केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी हैं, वहाँ पर लगभग 6 विधायक हम लोग जीते हुए हैं, 4 माननीय हम लोग जीते हुए हैं, अधिकांश गांव पालिका महानगर पालिका भी हम लोग जीते हुए हैं। तो पार्टी को विधि में चलाने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग संगठन के काम करके 2039 साल से हम लोग राजनीतिक में लगे हुए हैं, हम लोग संगठन के काम करके आए हुए व्यक्ति हैं, अगर संगठन का काम संगठन के हिसाब से नहीं होता है तो हम लोग को नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसको आवाज़ उठाएं, उसके बारे में बोलें, तो ये चीज़ नहीं हो रहा है तो हम लोग आवाज़ उठाएं, पहले इसके आवाज़ हम लोग जिले में उठाएं, हम लोग बोले भाई यहाँ का जीता हुआ विधायक जीता हुआ माननीय इन लोग से भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन लोग से भी पार्टी के नीति क्या है पार्टी का कार्यक्रम क्या है उस हिसाब से आपका विकास बजट खर्चा होना चाहिए, गांव पालिका प्रमुख वाडा अध्यक्ष महानगर पालिका का मेयर जिला समन्वय समिति का सभापति ये सब लोग बैठा कर एक तो मीटिंग कीजिए, मीटिंग करने के बाद पार्टी का नीति निर्देशन है उसको आप दीजिए, आप अध्यक्ष हैं
तो जिला कमेटी से सलाह कीजिए कि इस जिला को किस तरीका के विकास के रूप में आपको आगे बढ़ाना है। उनके प्रति आप लोगों का दबाव कैसा रहा? दबाव हम लोग बारम्बार इस चीज को उनके पास रख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, भेंट के बोल रहे हैं, मतलब नहीं, हाँ होगा, किया जाएगा कहते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई वास्ता नहीं रहता है। और वो चीज़ वास्ता जब जिला अध्यक्ष नहीं रखेंगे तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग अपना उपलोक कमेटी में इस चीज़ को लेकर जाएं, तो हम लोग प्रदेश कमेटी में भी इस चीज़ को लेकर गए, केंद्रीय कमेटी का भी जो शीर्ष नेता लोग हैं हम लोग उन लोग से भी मिल रहे हैं, कुछ नेता लोग से मिले हैं, कुछ लोग से कल मिलेंगे। मिलने के बाद ये सारा चीज़ बैलेंस में कैसे लिया जाएगा। और एक चीज़ क्या, हम लोग विशेष थप हम लोग का अभी के परिस्थिति में जोड़ क्या है, कार्यकर्ता का मांग भी है, ये चीज़ क्या चाहते हैं हम लोग कि अभी का जो माने जनता समाजवादी पार्टी और नया शक्ति के बीच में जिस किस्म का एकीकरण हुआ और उस समय जो पार्टी से जो काम हुआ उससे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ और पार्टी को भी जो उपलब्धि मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाया, वो एक तो गलत चीज़ हुआ है कह के ये चीज़ आम कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब कोई महसूस किया है। अब हम लोग चाहते हैं कि नया शक्ति के साथ एकीकरण हुआ तो ये एक तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, देख चुके, उसका उपलब्धि जीरो हुआ, उससे पार्टी को घाटा हुआ है। तो यही हम लोग का नेता से क्या रिक्वेस्ट है कि अब ये जनता समाजवादी पार्टी जब हो गया, राजपा से जब गठबंधन हो गया, तो अब कार्यकर्ता को भावना को, वहाँ के स्थानीय नेता को भावना को समेटा जाए। इसका मतलब नहीं नहीं उसका पहले सुन लीजिए, नेता कार्यकर्ता का भावना क्या है, उन लोग का चाहना क्या है, नेता कार्यकर्ता किसको बनाना चाहता है। हाँ, अगर नेता कार्यकर्ता चाहता है कि पूर्व अभी जो अध्यक्ष हैं वो ही रहें तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन अगर नेता कार्यकर्ता अगर दूसरा कोई फिगर को चूज करता है कि ये पार्टी को बढ़िया चला सकता है तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, अभी के वर्तमान अध्यक्ष से भी अनुरोध करेंगे कि वो कार्यकर्ता और नेता को भावना कर बूझ कर हम लोग उनका नेतृत्व अपनाने को तैयार हैं। तो नेता कार्यकर्ता अगर चाहता है कि नहीं नेतृत्व परिवर्तन किया जाए तो वो चीज़ उनको भी स्वीकार करके चलना चाहिए। इसी चीज़ का हम लोग का इसका मतलब लोकतांत्रिक विधि से नेतृत्व चयन करने के लिए आप लोग भी राजी हैं? हाँ हाँ एकदम, पार्टी में है, पार्टी के राजनीति कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक विधि को अपनाना ही पड़ेगा, पार्टी का नीति निर्देशन है उसको भी मानना ही पड़ेगा, बिना माने हुए तो पार्टी का कार्यकर्ता अराजक हो जाएगा ना। पार्टी को नीति हम भी मानेंगे और पार्टी के नीति जो हमारे विपक्ष में है अथवा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस सबको मानकर चलना पड़ेगा। इसके लिए तो केंद्रीय पहल से ही स्थानीय तह में जो संगठन निर्माण करना चाहिए चुनाव के माध्यम से, इसके लिए भी तो सिर्फ पर्सा जिला में करना है ये तो नहीं है, समग्र राजनीति समग्र देश में ही करना है। ये तो देखिए, ये तो एकीकरण है, एकीकरण में क्या होगा, एकीकरण में अभी पार्टी कुछ उसका एक तो नियम बनाएगी। इसमें क्या है, हम लोग का कहना इतना ही है कि सीधे बुलाकर उस समय हम लोग फेसबुक के मार्फत था पाए कि फलाना आदमी अध्यक्ष हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई फेसबुक अथवा कोई पत्रिका मार्फत कार्यकर्ता लोग ये था नहीं पाए कि मेरा नेता ये हो गया। कार्यकर्ता नेता चुनना है, जिला का नेतृत्व चुनना है तो जिला के नेता जिला के कार्यकर्ता के बीच में जाकर और वो बीच से जो नाम आता है, जो नेता का नाम आगाड़ी आता है उसको चुना जाए, वो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, हम लोग भी स्वीकार करने का तैयार है। जिला में विचार विमर्श करके ही नेतृत्व चुनना है। एकदम एकदम। आप लोग किस किस से मिले हैं यहाँ काठमांडू में? हम लोग वरिष्ठ नेता अशोक राय जी से मिले हैं, वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो जी से मिले हैं, उसके बाद में वरिष्ठ नेता बाबू डॉक्टर बाबूराम भट्टाई जी से भी मिले हैं हम लोग। उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों के भी यही कहना है, पार्टी एक ठो सिस्टम से चलता है, विधि विधान जो है बहाने के लिए जी वहाँ नहीं, क्या एक्शन लेंगे? व्यवहार में भी उन लोग व्यवहार में भी कहिए चाहे सिस्टम में भी कहिए चाहे कानूनत भी कहिए, जो विधिवत चले उन लोग भी उसी पक्ष में है, उन लोग भी वही पक्ष में नहीं, हम लोग जो पहले जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग आ गए, उन लोग भी अभी मतलब अभी हाल ही में एकीकरण हुआ है, नया शक्ति से भी हाल ही में हुआ है, एक वर्ष हुआ लगभग, अभी राजपा से भी होने जा रहा है, अभी केंद्र में हो गया, जिला में बाकी है, तो हम लोग जिस रास्ते पर अभी चले हैं ना, आप जैसे जी समाजवादी पृष्ठभूमि से हम लोग हैं, आप जैसे सवाल किए कि हर एक जिला में होना चाहिए कि हर एक जिला की मांग है कि एकदम, देखिए हम लोग जिस सिस्टम में चले हैं, पार्टी जिस सिस्टम में चलना चाहिए,
इस सबका मांग है टीके प्रथा हट जाए, जो केंद्र से तोकने का जो सिस्टम है टीके प्रथा जातिवाद ये सब अंत हो। पार्टी जो सिस्टम होती है आप कमेटी बनाइए, परिषद भेजिए, आप वहाँ का स्थानीय का नेता लोग का कार्यकर्ता लोग का भावना को बुझिए, जो वहाँ से चयन हो, स्थानीय स्तर से चयन हो, यहाँ से टीके प्रथा के जी जी एक्शन में केंद्र से अब क्या होने वाला है, कोई आपको संकेत मिला है? एकदम हम लोग को संकेत मिला है कि अब सिस्टम से ही होगा, जो प्रक्रिया है विधि विधान है उसी के हिसाब से अब चयन होगा, जो भी वहीं से हम लोग को मिला है प्रावधान। नेता लोग इसमें एकदम डिटरमाइन है, नेता लोग इस चीज़ में इस तरीके से डिटरमाइन है कि केंद्र स्तर में एक तो विधि तैयार होगा, उस विधि अनुसार से जिला में समन्वय होगा, समायोजन होगा, उस समायोजन को आप लोग स्वीकार करके चलना पड़ेगा। तो हम लोग भी सहज स्वीकारेंगे, जिला अगर केंद्र जो अगर क्राइटेरिया बनाता है उस क्राइटेरिया के भीतर हम लोग को भी जाना पड़ेगा और साथी लोग को भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उस क्राइटेरिया में ये भी चीज़ समावेश कीजिए कह के केंद्र को बोले हैं कि कार्यकर्ता के माध से वो चीज़ चुनना चाहिए। लेकिन वो लोग भी बोले हैं नहीं, कार्यकर्ता तो पहला प्राथमिकता है, कार्यकर्ता के भावना के विपरीत केंद्रीयता नहीं लादा जाएगा, कार्यकर्ता के भावना के अनुसार ही नेता चयन किया जाएगा, जिला कमेटी को गठन किया जाएगा। आगामी एक्शन आप लोगों की ओर से कुछ प्लान? दूसरा कुछ प्लान नहीं है, बस विधि के शासन हो उसके लिए स्मरण कराने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। नेता लोग भी सचेत हो, जिला का समस्या कुछ खास लोग ही खास तरीके से खास नेता के लोग पास पहुँचाते थे, तो हम लोग सारा एक समूह बना के सारा अपने अगुआ नेता लोगों केंद्रीय सदस्य प्रदेश कमेटी के सदस्य माननीय विधायक ये सब लोग को लेकर आए हैं कि पार्टी कार्यकर्ता का जो भावना है, आप लोग हम लोग का नेता है, आप लोग चलिए केंद्र के नेता लोग से जो शीर्षस्थ नेता लोग हैं उनके पास ये भावना आप लोग रखिए, हम लोग भी अपना बात रखेंगे और रखने के बाद इस पर विचार होगा, हम लोग को विश्वास है इस पर विचार होगा। अंत में इतना कह दीजिए कि आप लोग किसको नेतृत्व में लाना चाहते हैं? कार्यकर्ता व नेता पहचान लेगी, अभी तक 2062-63 के आंदोलन से अभी तक एकदम संघर्षशील कार्यकर्ता है परसा जिला में, राजनीति के बुझे हुए लोग हैं परसा जिला में, कार्यकर्ता लोग पर गर्व है हम लोग का, कार्यकर्ता जिसको भी नेता चुनेगा वो एकदम सही चुनेगा और उसका नेतृत्व सही होगा, वो पार्टी के लाइन में पार्टी की नीति में होगा। थोड़ा सा नाम उल्लेख करते हैं तो? नाम इसमें वो तो कार्यकर्ता का नाम मन का चीज़ है, तो हम लोग को वो भावना व्यक्त करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कार्यकर्ता किसी को भी इतना मैंने हजारों कार्यकर्ता हैं, हजारों नेता हैं वहाँ पर, उसमें से किसी का भी नाम हो सकता है, इसी नाम पर फोकस करके हम लोग अगाड़ी नहीं बढ़े हैं, हम लोग को बस विधि का शासन होना चाहिए, विधिगत तरीके से वो शासन स्थापित हो, यही मांग है, यही हम लोग का भावना है। व्यक्ति विशेष के लेकर हम लोग आगे नहीं आए। बस यही कहेंगे कि आपके माध्यम से भी जो कार्यकर्ता जो जनता अगर इस पार्टी के भीतर के अंतर संघर्ष है, इस अंतर संघर्ष को अगर कोई गलत रूप से इसको प्रचार कर रहा है अथवा गलत रूप से इसका व्याख्या विश्लेषण कर रहा है, तो मेरा सबसे विनती है, अनुरोध है, निवेदन है कि इसको गलत तरीके से नहीं देखा जाए, इसका गलत विश्लेषण में नहीं पड़ा जाए, सारे कार्यकर्ताओं लोग को ये चीज़ स्मरण हो कि ये पार्टी भीतर का अंतर संघर्ष है, पार्टी को मजबूत करने के लिए अंतर संघर्ष है, कोई व्यक्ति को हराने का नहीं, कोई व्यक्ति को जिताने के लिए नहीं है, कि पार्टी को जिला में मजबूत ही है और मजबूती के साथ कैसे इस पार्टी को परसा जिला का एक तो नेपाल भर में नमूना बनाया जाए, उस चीज़ के लिए हम लोग सबको सचेत रहने के लिए यही अनुरोध करेंगे। धन्यवाद।